देखो, जो कल आपको मैंने बताया था, कल था रेजोनेटिंग इफेक्ट के दो पॉइंट थे। एक था प्लस एम इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट, और एक था माइनस आर इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट। क्योंकि रेजोनेटिंग को हम कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इसमें देखो क्या होता है, जो प्लस आर इफेक्ट होता है, इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? देखो, प्लस आर का मतलब जो अपना पाई इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो आप इसका ऑर्डर बताने से पहले मुझे बता सकते हो, अगर मैंने कहा आपको NH2 है और NR2 है, इन दोनों में से किसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा, इस फर्स्ट का या सेकेंड का? प्लस एम इफेक्ट मतलब कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को, अपने जो ये लोन पेयर है, पाई इलेक्ट्रॉन है, इसे कौन जल्दी डोनेट करेगा। अनुष्का सही है, और इसके अलावा कशिश सही है, स्नेहा सही है। कौन जल्दी डोनेट करेगा? देखो, किरण मिस कर गया थोड़ा सा। इसका आंसर है NH2। रीजन क्या है? रीजन मैंने आपको बताया था, जो NH है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू NC के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। तो होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो नाइट्रोजन के पास ज्यादा होंगे, और इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, NH2 वाले के पास ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NH2 के पास ज्यादा होगी, और इसी की वजह से क्या होगा, वो गुड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। इसके अलावा इसका जो सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस आपको लिखवाया हुआ है पहले भी मैंने, ये सीक्वेंस है जो इसमें देखो, जो माइनस चार्ज होगा, जनरली माइनस चार्ज को हम सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे। तो कोई भी माइनस चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी डोनेट करेगा। माइनस के बाद NH2, NH2 के बाद NHR, NHR के बाद NR2 कह लो, यहाँ पे NR2 के बाद आएगा OH। वही सीक्वेंस है देखो, इसमें OH के बाद OR, OH है, फिर है OR, OR के बाद आएगा देखो NHC डबल बॉन्ड OR। इसमें इस N के पास इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, तो इसकी टेंडेंसी कम हो जाती है। इसके बाद N के बाद O आएगा, OC डबल बॉन्ड OR। इसके बाद आता है आपके पास फिनाइल ग्रुप PH, फिनाइल ग्रुप आएगा। फिनाइल ग्रुप के बाद आएगा आपके पास डबल बॉन्ड वाला CH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और लास्ट में NO। रीजन क्या है इसका, इसके कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इसके जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी वो कम हो जाएगी। तो ये जो आपके पास ऑर्डर है, ये लर्न करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, विड्रॉ करेगा, निकालेगा, विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा ये, जो सिस्टम से पाई इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अब सिस्टम से पाई इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए जो ऑर्डर होगा वो NO2 का सबसे ज्यादा होगा, फिर CN का, CN के बाद आ जाएगा SO3H, SO3H के बाद CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप के बाद सी डबल बॉन्ड ओ आर, और सी डबल बॉन्ड ओ आर के बाद लास्ट में एसिड लिख लो, COOH। तो ये आपका कौन सा हो गया, माइनस आर इफेक्ट, और एक है प्लस आर इफेक्ट। इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको GOC के क्वेश्चंस भेजूंगा, क्योंकि कल मैक्सिमम कल चलेगी GOC, उसके बाद हम हाइड्रोकार्बन में आ जाएंगे। उसके लिए आपको GOC के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो दिक्कत आएगी उससे मुझे पूछना है। तो ये पार्ट लेफ्ट था, इसीलिए मैंने आज आपको नहीं भेजा। इसके बाद देखो, इसमें क्या चीज है मेन, इसके एप्लीकेशन क्या है।
एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेटिंग इफेक्ट। इसके एप्लीकेशन क्या है? तो एप्लीकेशन में सबसे पहली चीज क्या होती है? स्टेबिलिटी। एप्लीकेशन का सबसे मेन चीज इनका क्या है? स्टेबिलिटी है। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेटिंग इफेक्ट, इसमें स्टेबिलिटी। इसमें ध्यान रखना, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा, मोर रेजोनेंस, उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। रीजन क्या है? रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? डिस्पर्सन, यानी इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने कहा, सपोज करो ये आपका नेगेटिव चार्ज है एक कंपाउंड या सी पे है। अब ये नेगेटिव चार्ज सपोज करो ये चार एटम के पास डिस्पर्स हो रहा है। एक दूसरा मैंने लिया है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये केवल तीन एटम के पास ही डिस्पर्स हो रहा है, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? स्नेहा, और इसके अलावा रिप्लाई करके बताओ। एक माइनस चार्ज है, यहाँ चार एटम है, और ये जो माइनस चार्ज है ये चार एटम में डिस्पर्स होता जा रहा है, और यहाँ पे जो माइनस चार्ज है वो तीन एटम में डिस्पर्स हो रहा है, तो विच वन इज मोर स्टेबल? वेरी गुड आयुष। और इसके अलावा कोई आंसर? निरंजन, मैथिली, वेरी गुड। सुबोध सही है, दिव्यांक मिस कर गया, सिद्धि सही है। अभी मैंने क्या कहा आपको? रेजोनेंस जितना ज्यादा, रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ? डिस्पर्सन, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन फैलेगा उतना आपको पकड़ना क्या होगा? मुश्किल जाएगा। हाँ दिव्यांग सही है। तो जितना ज्यादा क्या होगा? डीलोकलाइजेशन होगा, जितने इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स होंगे उतना स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा हो जाएगी। अब आप इसको बहुत सारे चीजों में लगा सकते हो, जैसे मैंने कहा कार्बोकैटायन प्लस चार्ज, और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बेंजीन लगा दी, बाकी यहाँ पे दो H लगे हुए। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ पे मैंने दो बेंजीन रिंग लगा दिए, यहाँ पे दो बेंजीन रिंग लगा दिए मैंने, और एक H लग गया। यहाँ पे फिर मैंने प्लस चार्ज बनाया और तीन बेंजीन रिंग बना दिए। तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला या थर्ड वाला? ध्यान से देखो, एक में प्लस चार्ज है, हाँ दिव्यांग सही है, और निरंजन सही आंसर है आपका, आयुष, अनुष्का सही है, स्नेहा सही है, तो मृत्युंजय, सुबोध सही आंसर है, मैथिली राइट। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन होगा? जहां सबसे ज्यादा रेजोनेंस होगा, सिद्धि सही आंसर है। तो थर्ड वन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंड वन का, और सबसे लास्ट में वन, यानी कि स्टेबिलिटी को ये क्या करेगा? डिनोट करेगा। अब इसके बाद मैंने एक काम और किया, मैंने क्या किया, यहां पे डॉट लगा दिया, यानी इसे फ्री रेडिकल बना दिया। और फ्री रेडिकल में फिर मैंने वही स्टेप किया, एक और यहां पे H और यहां पे H, सेकेंड फिर ये फ्री रेडिकल बना दिया, और यहाँ पे ये ग्रुप बना दिया, यहाँ पे ये ग्रुप बना दिया, यहाँ पे एच, यहाँ थर्ड पॉइंट में ये ग्रुप बना दिया आपको। इसमें फिर मैंने तीन वो बना दिया, क्या, बेंजीन बना दिया, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? वन या टू या थ्री? इसमें देखो ये वाला फ्री रेडिकल है, हाँ निरंजन सही आंसर है, और मैथिली सही है, इसके अलावा स्नेहा, कशिश राइट आंसर है। तो आज मैं आपको जीओसी के सारे क्वेश्चन भेजूंगा, अनुष्का सही आंसर है आपका, तो वो आपको सॉल्व करने हैं, उससे ये लगेगा कहाँ पे हम मिसिंग कर रहे हैं या कहाँ कौन सा पार्ट। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा रेजोनेंस किसमें होगा? जिसमें तीन बेंजीन है, इसके बाद दो वाले में, और सबसे कम होगा फर्स्ट वाले में। अब कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, जो वो होते हैं क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या करता है, इसके साथ एक और चीज डाल देते हैं, वो डालेंगे यहाँ पे सी एच, और यहाँ पे लिख दिया सी एच थ्री का होल ट्राइस। अब आपके पास चार ऑप्शन हो गए, देखो वन टू थ्री फोर। तो ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे देखो, आपने कहा थ्री टू और वन, अब जो ये है आपका लास्ट वाला फोर, ये आपको लग रहा है कहां पे आना चाहिए?
ये सबसे लास्ट आना चाहिए, पहले आना चाहिए, या 2-3 के बीच में आना चाहिए, या 1-2 के बीच में आना चाहिए? जो ये टर्सरी कार्बोकैटायन है आपका, टर्सरी कार्बोकैटायन, इसकी पोजीशन इनमें से कहाँ होनी चाहिए? तो ये थोड़ा सा देखो फंसाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ये देखा कि जो टर्सरी कार्बोकैटायन है, हाँ मैथिली आपने सही कहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट बदल जाता है, ध्यान रखना। होना क्या चाहिए था, देखो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होना चाहिए था 3, 2, 1 और 4। लेकिन होता क्या है कि वैसे रेजोनेंस ज्यादा होता है इंपॉर्टेंट, तो रेजोनेंस की वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे इसकी वजह से ये 1 से पहले आ जाएगा, बस 1 से पहले, यानी जहां पे 1 बेंजीनिंग है, इसे हम बेंजाइल कहते हैं, तो ये बेंजाइल से ज्यादा होता है, बाकियों से नहीं होता, ध्यान रखना, ये इसे कहते हैं बेंजाइल। तो बेंजाइल से ज्यादा होगा टर्सरी कार्बोकैटायन, जो एलिफेटिक, वैसे एलिफेटिक रेजोनेंस से कम होता है हमेशा, लेकिन ये वाला उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा कि जो ये टर्सरी कार्बोकैटायन है एलिफेटिक का, इसकी ये प्राइमरी से ज्यादा होती है, बस बाकी से ज्यादा नहीं होती, प्राइमरी से ज्यादा होती है। तो इस केस में 4 यहाँ पे आएगा, एक्चुअल में ये होता है। तो जैसे आप क्वेश्चन आंसर करोगे क्या होगा, आपको ज्यादा क्वेश्चंस फेस होंगे, ज्यादा दिक्कत आएंगी, तो वहां से कॉन्सेप्ट ज्यादा होते हैं। मैं आपको केवल थोड़ा हिंट्स बता रहा हूं ताकि आपके नॉलेज में आ जाए। अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि हमें नहीं आया या हमें और बताना है, तो मुझे उस टॉपिक को लिख के भेज सकते हो, मैं उसे लाइव लेसन में ले लूंगा। इसके अलावा देखो, तो इस इन जनरल क्या होगा, देखो इन जनरल क्या है, जो स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी अगर मैंने कहा कार्बोकैटायन की, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्लस एम की। प्लस एम जितना बढ़ेगा उतना कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एम का। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना, और इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जितना माइनस एम इफेक्ट ज्यादा होगा उतना कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और इसका अपोजिट कर दो किसमें, एनायन वाले में। एनायन का मतलब जिसके पास सब कुछ है, उस केस में क्या होगा, जितना माइनस एम ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी। और जितना प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होगा उतना क्या होगा, कम हो जाएगा। और अगर हम फ्री रेडिकल की बात करेंगे, तो फ्री रेडिकल हो या कार्बोकैटायन हो, दोनों के लिए सेम होता है। फ्री रेडिकल हो या कार्बोकैटायन हो, क्योंकि दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो दोनों का फंडा सेम चले। तो अब मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आगे भी करना पड़ेगा हमें, तो इसको दे रहा हूँ, क्वेश्चन दूंगा मैं बाकी आपको इसके बेस पे, तो ताकि आप उसे करो। तो आज इवनिंग में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एक बार ट्राई करके देखना। तो पहला पोर्शन हो गया आपका स्टेबिलिटी का, जो सबसे मेन है इसका। सेकेंड वन आता है इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होता है, देखो जैसे मैंने कहा CH3 COOH, और दूसरा मैंने कह दिया CH3 CH2OH, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, 1 वाला या 2 वाला? CH3COOH और CH3CH2OH, which one is more acidic? Acidic मतलब कौन एच जल्दी निकालेगा, दोनों के पास एच है। हाँ निरंजन सही है, और स्नेहा सही है, मैथिली सही है। तो इस केस में हमने क्या करना है, सुबोध मिस कर गए, कोशिश मिस कर गई। देखो इसमें करना क्या, वो कहता है एक और तरीका आप कर सकते हो, वैद्य ही सही है, एक काम कर सकते हो, उसने कहा कैसे, देखो मैंने क्या किया, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, एच निकाल दो बाहर। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, जब भी एसिडिक होगा तो उसका एच बाहर निकाल दो, इसमें भी एच बाहर निकाल दो। अब किस केस में रेजोनेंस हो रहा है, यहां देखो इसमें रेजोनेंस हो सकता है, माइनस है और ये क्या है, डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा, ये माइनस यहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएगा, यानी ये ऐसे बन सकता है CH3CO- और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ पे रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी खत्म है। तो रेजोनेंस को हम सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं
यानी ये स्टेबल ज्यादा हो गया, स्टेबल ज्यादा है मतलब ये एच को जल्दी निकालेगा, हर कोई चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, और ये स्टेबल कम हो रहा है, इसीलिए क्या करेगा, इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, यानी ये कम एसिडिक होगा। तो CH3COH इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। अब देखो सेकेंड वन आता है इसमें आपका, सेकेंड वन इज मैंने लिखा CH3COOH और दूसरा लिख दिया मैंने CH3COOOH, इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा, फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला कौन ज्यादा एसिडिक होगा। हाँ स्नेहा सही है, और इसके अलावा सुबोध सही है, निरंजन सही है। कभी भी देखो एसिडिक का क्वेश्चन आता है आपके पास, स्नेहा सही है, तो आपको करना क्या है उसके एच को बाहर निकाल दो, जो आपको लग रहा है एसिडिक हाइड्रोजन उसे बाहर निकाल दो। बाहर निकालने के बाद देखो जो कंपाउंड बनेगा उसमें कौन ज्यादा स्टेबल बन रहा है, सारा कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें देखो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये माइनस है और डबल बॉन्ड बहुत दूर रह गया, तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, और यहाँ पे अभी हमने रेजोनेंस किया था तो इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें नहीं हो रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, यानी एसिडिक कौन ज्यादा है, फर्स्ट वन इज मोर एसिडिक देन सेकेंड। तो आप एसिडिक करेक्टर को इससे क्या कर सकते हो, इजिली निकाल सकते हो, रेजोनेंस इज पॉसिबल इन सेकेंड। रेजोनेंस कैसे पॉसिबल हो सकता है, अच्छा रेजोनेंस आप कह रहे हो कि यहाँ पे जैसे हमने करा CH3C OO O-, तो आप इसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हो क्या, ये है मैथिली, यू आर सेइंग विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, कैसे पॉसिबल होगा। देखो ये यहां से इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता है क्योंकि यहां भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, जैसे घर में बैठ के आजकल कई लोग लड़ाई कर रहे होंगे बैठ बैठ के और कोई काम नहीं होगा, तो आपस में भाई बहन लड़ाई कर रहे होंगे बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे भी क्या होता है, माइनस माइनस क्या करेगा, रिपेल करेगा, अगर ये यहां से यहां आता है ठीक है, तो यहां पे इसको इधर आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, इसीलिए रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी थोड़ी क्या होती, कम हो जाती है। वैसे आप सही कह रहे हो कि यहाँ पे रेजोनेंस है लेकिन कम होता है, वीक होगा, इसी वजह से क्या है ये स्टेबल नहीं होता ज्यादा। तो यहां तक आपका हो गया। इसमें देखो रेजोनेंस में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, रेजोनेंस में आपको कुछ चीजें हैं जो आपको पॉइंट ऑफ रिमेम्बर, कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज देखो, अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड आया, हाँ पॉइंट टू रिमेम्बर, ओके पॉइंट्स टू रिमेम्बर, आपको कौन सी चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। इसमें देखो कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, फिर आगे कुछ और बन गया डबल बॉन्ड, तो ये ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा कहीं पे भी, ट्रिपल बॉन्ड में से एक ही बॉन्ड या एक पाई इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, एक ही पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड, एक ही पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, दो कभी नहीं करेंगे, ध्यान रखना, यानी एक ही घूमेगा, अगर ये घूमेगा तो एक घूमेगा, कहीं आप सोचोगे दो है तो कोई बात नहीं दूसरा भी निकाल लो, ठीक है वो नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे ऐसे आएगा ट्रिपल बॉन्ड बीच में, इधर से आ गया इधर आ गया, आप सोचोगे एक बॉन्ड इधर पास कर दे एक बॉन्ड इधर पास कर दे तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, आप सोचोगे बहुत बढ़िया आ गया तीन तीन बॉन्ड आ गए, एक को हम यहाँ के लिए रेजोनेंस करवा दे एक को हम इधर के लिए रेजोनेंस करवा देंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। केवल अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें से एक ही बॉन्ड क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, दोनों नहीं करेंगे कभी भी। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है
सेकेंड पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऑक्सीजन होता है इसमें दो लोन पेयर होते हैं, तो दो लोन पेयर में से केवल इसका एक लोन पेयर ही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, एक ही लोन पेयर इसमें से पार्टिसिपेट करेगा, दो पार्टिसिपेट करेगा, दो के दो लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये इसका सेकेंड पॉइंट है। पॉइंट नंबर थर्ड, अब पॉइंट नंबर थर्ड में देखो, सपोज करो कंफ्यूजिंग करने के लिए आ गया हमारे पास, यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसमें लोन पेयर भी आ गया और डबल बॉन्ड भी आ गया। अब वो कह रहा आप बताओ किसको डीलोकलाइज कराओगे, अगर इसमें से रेजोनेंस शो करेंगे तो किसको हम डीलोकलाइज कराएंगे बताओ। दो ऑप्शन हो गए, एक आपके पास लोन पेयर को, या फिर इसमें से पाई इलेक्ट्रॉन को, ये पाई बॉन्ड को, या फिर हम दोनों को करवा सकते। अब आपके पास ये ऑप्शन आ गया, रेजोनेंस में हम किसे पार्टिसिपेट करा सकते। अच्छा आप देना सुबोध आंसर, लोन पेयर को या पाई बॉन्ड को या, हाँ निरंजन बिल्कुल सही, और इसके अलावा या दोनों, तीन ऑप्शन है देखो आपके पास, लोन पेयर या पाई बॉन्ड या दोनों। अच्छा सुबोध कह रहा है दोनों, और इसके अलावा नेक्स्ट वन मैथिली, हाँ बिल्कुल सही कहा मैथिली आपने। तो ऐसे में क्या होता है, कंफ्यूजिंग होती है चीजें कि हमारे पास क्या है। देखो दो दो कॉन्सेप्ट है, मुझे डीलोकलाइजेशन करवाना है, इसे घुमाना है यहां से। देखो बेंजीन रिंग हो गई तो ये सानिका सही है, कशिश सही है, तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाता है कि मैं किसको करूं इसे। आपको डीलोकलाइजेशन करवाना है तो कंफ्यूजिंग होगा कि मैं किसे करूं, तो इस कंडीशन में हर हमेशा पाई बॉन्ड ही डीलोकलाइज कराएगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लोकलाइज नहीं होते हैं, ठीक है। ओनली पाई बॉन्ड ही डीलोकलाइज होंगे, बाकी लोन पेयर या दोनों में से कोई भी डीलोकलाइज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा। यानी अगर कोई भी अटैक करेगा तो इसको आराम से अटैक कर सकता है। यानी ये क्या है, देखो दिखने में आपको लग रहा है रेजोनेंस है लेकिन इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो गई, यहाँ पे ही फंस जाते हैं। देखो आपने देखा रेजोनेंस है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। कैसे, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा नहीं बेचारा, ये यहीं रहेगा, और यहीं रहेगा तो कोई भी जो रिएजेंट आएगा, रिएजेंट आएगा वो यहाँ पे क्या करेगा, बहुत जल्दी अटैक कर देगा, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो फंसाने वाले होते हैं क्वेश्चन, जिसमें क्या होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि होना क्या चाहिए। अभी रेजोनेंस है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन इस केस में देखो यहाँ पे रेजोनेंस ने क्या किया, आपको धोखा दे दिया। अब फोर्थ वन में होता क्या है कि सपोज करो आपके पास क्या होगा, जैसे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे लिख दिया मैंने CH2 माइनस चार्ज, ठीक है, और या फिर मैंने लिखा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ पे लिख दिया पाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो या यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन हो, ये तीनों को हम सेम कंसीडर करते हैं, ये तीनों की चीजों यहाँ पे क्या है, सेम है। अब आप बोलोगे कैसे सेम है, देखो सीधी सी बात है, आप रेजोनेंस करवा दो इसे, यहाँ पे मैंने कहा ये सारी चीज सेम है, आपको आपने कहा कैसे सेम हो गई, यहाँ पे देखो इसका रेजोनेंस करवा दो, रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, ये यहाँ जाएगा तो बॉन्ड पेयर बन जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो क्या होगा, माइनस चार्ज बन जाएगा, तो ये क्या बन गया, देखो CH2 माइनस बन गया, और यहाँ पे क्या हुआ, ये सिंगल बॉन्ड आ गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। तो अभी क्या था, यहाँ पे था चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जम कर जाएगा और ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो चाहे वो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर दिख रहा हो, यानी कि अगर एक माइनस चार्ज है तो एक माइनस चार्ज का मतलब हुआ दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गलती से भी मत समझना, एक माइनस चार्ज का मतलब दो इलेक्ट्रॉन से है, और कौन से इलेक्ट्रॉन, वो भी टू पाई इलेक्ट्रॉन से, पाई इलेक्ट्रॉन जो घूमते रहेंगे चारों तरफ। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखनी है रेजोनेंस के लिए।
ठीक है, बहुत जल्दी आ रहा हूं मैं, आपको पहले सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, हाइड्रोकार्बन के नोट्स आपको पहले ही प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे क्या होगा आप जल्दी लिखोगे उसे और फिर उसे हम जल्दी खत्म करेंगे। तो जितनी जल्दी आप खत्म करोगे क्या होगा, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, और ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो नॉलेज उसके बाद ज्यादा होता और क्वेश्चंस भी उसके बाद ज्यादा बनता। तो इसीलिए रिटर्न वर्क को बहुत अच्छी तरह से आपने कंप्लीट करना है, कम से कम 1 टाइम्स या 2 टाइम्स 3 टाइम्स लिखो उसे, तब जाके वो अच्छा होगा। तो ये आपका किसका पॉइंट खत्म हो गया, रेजोनेंस इफेक्ट का। अब आता है आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब स्टेबिलिटी के पॉइंट है। मैं थोड़ा पहले आपको मैंने बताया था, इसीलिए मैं आपको केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में आ जाए। हाइपर कॉन्जुगेशन, देखो कॉन्जुगेशन आपको पता है क्या होता है, कॉन्जुगेशन मीन्स होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड या किसी चीज का क्या होना, ऑल्टरनेट सीक्वेंस में होना है, ऑल्टरनेट सीक्वेंस में। ऑल्टरनेट सीक्वेंस में क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है या कोई चीजें होती है, पाई इलेक्ट्रॉन जो भी होगा, दैट इज, तो दैट इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको एक और वर्ड कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस, या इसे बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने दिया था इसे, इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर इस इफेक्ट को दिया था, बेकर और नाथन ने, इसीलिए उसके नाम से रख दिया बेकर नाथन इफेक्ट। अब इसमें होता क्या, देखो इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा, पी ऑर्बिटल में, वैकेंट पी ऑर्बिटल में चला जाता है, इसीलिए इसे सिग्मा पी रेजोनेंस भी कहते हैं, सिग्मा पी रेजोनेंस भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और वो पी ऑर्बिटल में चले जाता है। अब हम एक बार इसका एग्जांपल देखते हैं होता कैसे है ये हाइपर कॉन्जुगेशन। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कार्बोकैटायन के केस में, फर्स्ट केस हमने लिया कार्बोकैटायन का, कोई भी केस ले सकते हो आप लोग। कार्बोकैटायन का मतलब सी एच एच और यहाँ पे प्लस चार्ज है, प्लस का मतलब हुआ इसके पास खाली ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल है, इसके पास सी लग गया, यहाँ पे एच हो गया, यहाँ पे एच हो गया, यहाँ पे एच हो गया, देखो विद इन 10 मिनट में ऑफ हो जाएगा, फिर आपको रिज्वाइन करना है। अब आप सोचो कि क्या होगा, ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज क्या करेगा, प्लस चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, माइनस को। तो ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, ये अपनी तरफ इसे खींचेगा, ये प्लस चार्ज है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा, पड़ोसियों से। तो क्या हुआ, जो पड़ोसी के पास था इससे इसने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, देखो पी ऑर्बिटल में चला गया, जो सी है उसका पी ऑर्बिटल खाली था, तो ये सिग्मा बॉन्ड है, जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ मूव कर गया, पाई पी ऑर्बिटल की तरफ जो खाली है, और ये प्लस चार्ज है, तो प्लस किसको खींचेगा अपनी तरफ, माइनस वाले को, तो इस इलेक्ट्रॉन को इसने अपनी तरफ खींचा, तो क्या हो गया, देखो सी डबल बॉन्ड सी हो गया, और यहाँ पे एच एच, ये तो फुलफिल हो गया, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन क्या हो गया, इसमें कोई बॉन्ड नहीं दिख रहा आपको, लेकिन यहाँ पे फिर भी क्या है, ये कहीं जाएगा नहीं, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, रेजोनेंस की तरह दिख रहा है, देखो डबल बॉन्ड आ चुका है, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है। अगली बार क्या होगा, इसको निकालेगा, अगली बार इसे निकालेगा, यानी कि जनरली हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, जो हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके बेस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, या हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, और उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। देखो स्टेबिलिटी का सीधा फंडा क्या है, सीधा फंडा यह है कि ये प्लस चार्ज है, अब प्लस चार्ज है और क्या होता है कि कोई ग्रुप आएगा, कोई ग्रुप, मैंने कहा कि मैंने इसमें कुछ रिएजेंट डाल दिया,
रिएजेंट डालेंगे HBr या कुछ भी डाल दिए, तो इसमें एक प्लस एक माइनस। अब ये प्लस चार्ज है तो उसको माइनस ढूंढता हुआ आएगा, क्योंकि प्लस प्लस क्या करेंगे रिपल्सन होगा, तो इसको माइनस वाला ढूंढता हुआ आएगा, लेकिन ये यहां मिला ही नहीं, इसने कुछ पैसे उधार देने थे। तो ये जैसी आया घर में कि ये है, कह रहा नहीं ये तो कहीं बाहर गया हुआ है, तो ये कहाँ गया था, यहाँ चला गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, ये यहाँ से वहां गया, तब तक वो वहां से भी खिसक गया, फिर वो कहाँ चला गया, दूसरे के पास। फिर क्या हुआ, फिर उसके पास गया कि यार मुझे पैसों की जरूरत है जल्दी दे दे, उसने कहा यहाँ भी मेरे हमारे पास आया था लेकिन चला गया, वो कहाँ गया, फिर वही इधर आ गया। तो जितना ज्यादा घूमेगा उतना क्या फ्री स्टेट में रह सकता है, उतना इस पे कोई रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, वो उतनी देर तक क्या हो सकता है अनरिएक्टिव रह सकता है, उस पे कोई अटैक नहीं करेगा, इसीलिए हम कहते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल हो गया। जितना क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, ये प्लस चार्ज उतना घूमेगा, तो जो रिएजेंट अटैक कर रहा है उसे पकड़ ही नहीं पाएगा, और जब पकड़ नहीं पाएगा तो क्या होगा, रिएक्शन नहीं हो पाएगा, और इसीलिए क्या होता है स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करेगा, अल्फा कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने कहा कोई भी रेफरेंस है, ये इसके सामने जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन, ये रेफरेंस के रिस्पेक्ट में देखना है हमेशा। अगर मैंने यहाँ पे सी लगा दिया तो ये भी अल्फा हो गया, यहाँ पे सी लगा दिया तो ये भी अल्फा हो गया, यहाँ पे सी लगा दिया तो ये भी अल्फा हो गया, यानी कि इस रेफरेंस कार्बन से जितने भी कार्बन होंगे वो अल्फा कार्बन है, और जिस जो अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच होंगे दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। तो इस अल्फा कार्बन से जो अटैच है हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब देखो ये कंफ्यूज कैसे करता है, ये क्वेश्चन कैसे आया था आपका कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन में, उसको मैं आगे बताऊंगा आपको। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको कि जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि उसमें प्लस चार्ज ज्यादा जगह घूम सकता है। अब इसमें देखो प्लस चार्ज, ये प्लस यहाँ था लेकिन ये यहाँ भी घूम सकता है, कोई यहाँ आएगा वो यहाँ भी घूम सकता है, कोई यहाँ आएगा वो यहाँ भी घूम सकता है। जितना ज्यादा स्पेस होगा घूमने का उतना उसे पकड़ना क्या है, मुश्किल है। अगर आपको कह दिया मैंने कि आपको कैप्शन में ढूंढना है तो आसान हो जाएगा, आप एक रूम में मिल जाओगे। आपको बोला रत्नागिरी में ढूंढना है तो रत्नागिरी में मुश्किल होगा, क्योंकि आप इतने बड़े शहर इतने बड़े सिटी में कहाँ पे हो, बहुत मुश्किल है। रत्नागिरी के आगे मैंने कहा आप महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र में कौन सी जगह में हो, आपको ढूंढना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैंने कह दिया आपको कि आप जो हो इंडिया में हो तो इंडिया में ढूंढना क्या बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया क्या बहुत बड़ा है, तो इसमें कहाँ पे हो आप, तो वहां पे आप क्या स्टेबल ज्यादा हो, आपको ढूंढना क्या बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इंडिया में आपकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर महाराष्ट्र में किसी ने पता लगा लिया कि आप महाराष्ट्र में हो तो आपकी स्टेबिलिटी कम हो गई, फिर देखा किसी ने कि आप तो रत्नागिरी में हो आपकी स्टेबिलिटी और कम हो गई, फिर पता लगाया किसने, जो इंटेलिजेंट होते उन्होंने बताया इंटेलिजेंस वालों ने कि आप तो कैप्शन में हो, आप तुरंत आए पकड़ लिया, तो क्या हुआ स्टेबिलिटी बहुत कम हो गई। तो जितना एरिया बड़ा होगा आप क्या है फ्री स्टेट में ज्यादा रह सकते, इसीलिए कहते हैं हम कि हर बार स्टेबिलिटी चेक करते। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे कम यानी वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, वो बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये जो शो होता है किस किस में होता है, पहले आपको बता देता हूं, जैसे कार्बोकैटायन होता है इसमें शो हो सकता है, दूसरा फ्री रेडिकल में वही कॉन्सेप्ट है, जो कार्बोकैटायन का है वही फ्री रेडिकल का कॉन्सेप्ट है, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। फ्री रेडिकल के बाद देखो एल्कीन्स में भी वही है, एल्कीन्स का मतलब ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे देखो इसके रिस्पेक्ट में ये सी 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 तो ये अल्फा हो गए, अभी हम डिटेल में करेंगे इसको। चौथा एल्काइन्स में भी हो सकता है ये एल्काइन, पांचवा बेंजीन रिंग में हो सकता है ये बेंजीन रिंग में, आप चेक कर सकते हो इसको। तो जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो इसमें, और कार्बोकैटायन में नहीं होता है लेकिन बहुत सॉरी कार्बोएनायन में, इसके लिए कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसमें ये होता है, वैसे इन जनरल नहीं होता,
लेकिन एक आध केस है जहां पे ये एक्सेप्शनल केस कहते हैं, जहां पे ये क्या शो कर सकता है, हाइपर कॉन्जुगेशन को शो कर सकता है। इसके बेस पे मैं आपको क्या है अभी क्वेश्चन देता हूं, पहले वन बाय वन करते हैं, दो मिनट हमारे पास बचे हुए, तो मैं आपको इसमें फ्री रेडिकल का एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखो फ्री रेडिकल के टर्म्स में भी वही है, मैंने कहा सी एस थ्री डॉट, दूसरा मैंने कहा सी एस थ्री डॉट सी एस थ्री, तीसरा मैंने कहा सी डॉट सी एस थ्री का होल ट्वाइस यहाँ एच, और चौथा मैंने लिख दिया सी डॉट और सी एस थ्री का होल ट्राइस। इन चारों में से हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, वन टू थ्री या फोर? हाँ कशिश निरंजन सही है। अच्छा ये आंसर आप बता दोगे। अच्छा ये बताओ मुझे कि जो फर्स्ट वाला है इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? मैथिली बिल्कुल सही बताया आपने, अल्फा हाइड्रोजन बता दो मुझे। चलो जो फर्स्ट वाला है, हाँ वेरी गुड निरंजन, जो फर्स्ट वाला है उसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा? और मैथिली सही है, देखो फर्स्ट वाले में अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? अनुष्का सही है। इसमें देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे आपको लगेगा तीन है लेकिन तीन नहीं होता, उस कार्बन को हम नहीं गिनते हैं, नहीं कशिश उस कार्बन को हम नहीं गिनते हैं, वो रेफरेंस कार्बन है, यहाँ पे जीरो होगा। अब देखो इस रेफरेंस कार्बन में जो कार्बन लगा हुआ है दिस इज अल्फा, तो अब सेकेंड वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? हाँ किरण निरंजन बिल्कुल सही है, निहारिका बिल्कुल सही, तो इसमें कितने होंगे? तीन, अनुष्का बिल्कुल सही। और अब इसमें बताओ थर्ड वाले में, परिगा सही है, अनुष्का हाँ, निरंजन सही है इसका, और किरण बिल्कुल सही है, इसमें थ्री टू जा सिक्स, वैदेही मिस कर गई। अब बताओ परिगा बिल्कुल सही, अब लास्ट वाले में बताओ फोर में हाँ निरंजन बिल्कुल सही, किरण सही है और निहारिका मैथिली परिगा सुबोध बिल्कुल सही, इसमें नाइन। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। अब आपको मैं थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देता हूं, अब ये खत्म होने वाला है, रिज्वाइन करना है आपको सेम आईडी पे। अब देखो यहां से आपको मैंने कहा फ्री रेडिकल का भी बता दिया, आप देखो अगर एल्कीन वाला कोई चीज आ गया, एल्कीन, एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। अब इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखना, इस डबल बॉन्ड को कंसीडर मत करना, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जो कार्बन लगे होंगे, जैसे मैंने लिखा यहां पे सी एस थ्री, ये एच, यहां पे एच और यहां पे एच, तो दिस वन इज अल्फा कार्बन और इस पे ओवरऑल तीन अल्फा हाइड्रोजन है, देयर इज थ्री अल्फा हाइड्रोजन। तो अब आपको देखो स्टेबिलिटी का मैंने आपको बता दिया, जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, थोड़ा अभी कंफ्यूजिंग नहीं दूंगा, इसके आगे दूंगा, पहले आराम से देता हूं ये वाला, ये आपका हो गया वन। सेकेंड में देखो सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे सी एस थ्री, ये एच, यहाँ पे एच और ये एच, दिस वन इज टू। सी डबल बॉन्ड सी, इसमें यहाँ पे सी एस थ्री, यहाँ पे सी एस थ्री और ये एच और ये एच, दिस वन इज थ्री। और ये है सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे सी एस थ्री, यहाँ पे सी एस थ्री, यहाँ पे सी एस थ्री और यहाँ पे सी एस थ्री, ये हो गया फोर। अब देखो वन टू थ्री फोर आपको चारों दिख रहे हैं, वन टू थ्री एंड फोर, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा एल्कीन के केस में? सबसे ज्यादा स्टेबल देखो कौन सा होगा? निरंजन मैथिली कशिश बिल्कुल सही है, सुबोध मिस कर गया, बाकी ने सही दिया है, सिद्धि परिघा सानिका श्रुति अनुष्का, वेरी गुड। देखो अब ये आपने कैसे पता किया श्रुति, ये देखो यहाँ पे अल्फा कार्बन ये है और इसमें कितने हाइड्रोजन लगे, देखो थ्री थ्री सिक्स थ्री नाइन और थ्री ट्वेल्व, इसमें ट्वेल्व अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखो ये मेन रेफरेंस है, इसे मत देखना कभी भी,
जहां पे डबल बॉन्ड होगा उसे मत देखो, उसके सामने वाला इसमें कोई भी अल्फा नहीं है, जीरो अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखो यहाँ के रिफ्लेक्स में एक ही अल्फा कार्बन है और इस पे तीन हाइड्रोजन लगे, मीन्स थ्री अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है, इसके रिफरेंस में ये अल्फा है और ये अल्फा है, तो थ्री प्लस टू कितना हो गया, सिक्स अल्फा। अब देखो क्वेश्चन उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब बताना मुझे जरा, अब पता चलेगा कि एक्चुअल में कौन सही है और कौन गलत है। यहाँ पे ये लो और यहाँ पे मैंने कर दिया ये लो और यहाँ पे मैंने कर दिया ये लो, ये हो गया वन टू थ्री फोर। अब बताओ जरा, अब जो बताएगा उसे मैं मानूंगा कि हाँ आप लोग एक्चुअल में आपको आ गया। वन टू थ्री फोर, सोचो जरा कितने अल्फा, मतलब कौन ज्यादा स्टेबल होगा वन टू थ्री एंड फोर में से। नहीं, सुबोध मिस कर गया थोड़ा सा। इसके अलावा हाँ स्नेहा खंबे, बिल्कुल सही आंसर, सरदेश सही है। और इसके अलावा बाकी अनुष्का मृत्युंजय आपने मिस कर दिया है कहीं पे, सुबोध सही है, श्वेता सही है, ट्राई करो देखो। नहीं कशिश मिस हो गया, सानिका सही है। कैसे पता चलेगा, देखो सिद्धि सही है आंसर। हाँ सुबोध सही कह रहे हो आप, अनुष्का सही है, मैथिली सही है। ये कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जब मैं अभी दूंगा आपको क्वेश्चंस तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा दिखेंगे, जहां पे क्या हुआ कंफ्यूजिंग लगेगा, आपको लगेगा कौन सा आंसर होना चाहिए। यहाँ पे देखो इसके केस में ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी है, कार्बन के सामने कितने होने चाहिए, चार। तो कार्बन को देखो, एक कार्बन ये है, एक बॉन्ड, तो तीन हाइड्रोजन यहाँ होंगे, तीन हाइड्रोजन यहाँ होंगे। इसमें एक बॉन्ड, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसमें दो बॉन्ड लगे हैं मीन्स दो हाइड्रोजन, इसमें दो बॉन्ड है मीन्स दो हाइड्रोजन, तो टोटल कितने हो गए, थ्री प्लस सिक्स और टू एट और प्लस टू टेन इलेक्ट्रॉन, टेन अल्फा इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो इसमें कितने होंगे, देखो ये रेफरेंस हो गया, इसके सामने कौन से कार्बन दिख रहे हैं आपको, ये कार्बन, इस कार्बन में एक और दो बॉन्ड है तो दो हाइड्रोजन, एक और एक दो बॉन्ड है तो दो हाइड्रोजन, तो टू प्लस टू फाइव नहीं होता, फोर अल्फा हाइड्रोजन। इसके बाद इसमें देखो इसमें क्या हुआ, यहां से ये आपको कार्बन दिख रहा है, ये आपको कार्बन दिख रहा है, इसमें भी क्या होगा दो और ये भी दो, ठीक है, तो इसमें भी चार अल्फा। और इसके बाद यहां देखो फर्स्ट वाले में, फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में यहां पे कार्बन आ गया और यहां से देखो इसे इसे देखो, अब यहां से एक अल्फा ये है और एक, अच्छा सॉरी ये है ना डबल बॉन्ड, तो इसमें एक सी यहां चला गया, एक सी यहां चला गया। अब कितना होगा देखो, यहाँ पे सी एस थ्री, एक और एक दो तो सी एस टू और एक दो तो यहाँ पे भी सी एस टू, तो ये तीन अल्फा हो गए यहाँ पे, वन टू एंड थ्री अल्फा, तो सिक्स प्लस टू ए थ्री प्लस टू फाइव प्लस टू सेवन, तो इसमें सेवन अल्फा। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है अल्फा को, यानी फोर वाला सबसे ज्यादा, यानी फोर की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद वन की स्टेबिलिटी ज्यादा। अब हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों का सेम है, हाँ परिगा फोर के बाद है फर्स्ट। अब देखो अगर हाइपर कॉन्जुगेशन सेम होगा तो हम क्या देखते हैं उसके बाद, हम देखते हैं क्या इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतना उसको हम आगे करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को। फिलहाल हाइपर कॉन्जुगेशन के टर्म्स में क्या है, ये दोनों बराबर। तो ये हो गया आपका एल्कीन का, एल्कीन के बाद एल्काइन का भी यही सीक्वेंस है। एल्काइन में क्या होता है, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा उसके रिस्पेक्ट में देखना है, हमने यहाँ पे देखा इस ट्रिपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, इस ट्रिपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट से जो कार्बन लगे हैं वो अल्फा कार्बन है, तो उसके बेस पे हम चेक करेंगे। जैसे आपको ये दे दिया और दूसरा मैंने कहा सी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे एच और यहाँ पे एच, इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, वन की या टू की, तो आप क्या करोगे इजिली बता सकते हो,
वन या टू में से विच वन इज मोर स्टेबल? हाँ मृत्युंजय, सानिका, निरंजन, कशिश, अनुष्का, वेरी गुड। तो फर्स्ट आंसर सही है। तो इस तरीके से हमें करना है। आप देखो बेंजीन में, देखो बेंजीन में, बेंजीन में क्या हुआ? सिद्धि सही है, सुबोध। अब देखो ये बेंजीन नहीं बना दिया, अब बेंजीन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे मैंने सी एस थ्री लगा दिया, तो बेंजीन के रिस्पेक्ट में ये अल्फा है। अगर मैंने ये लगा दिया बेंजीन और यहाँ पे मैंने लिख दिया सी एस टू सी एस थ्री, तो ये अल्फा है, ये बीटा है, यानी उसके सीक्वेंस से चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, आपको बताना है कि कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। बेंजीनिंग बनाई मैंने इस तरीके से दे रहा हूं मैं, सेकंड मैंने फिर बेंजीनिंग बनाई इस तरीके से हो गया, थर्ड मैंने फिर बेंजीनिंग बनाई इसमें ये और ये हो गया, और फोर्थ मैंने बेंजीनिंग बना दी। तो ये चार हो गए, वन टू थ्री एंड फोर। इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? हाँ मृत्युंजय बिल्कुल सही, और निहारिका सही है, सानिका, सरदेश बिल्कुल सही है। तो आपको क्या देखना है? देखो रिंग देखा आपने, बोला यहाँ पे तो ना रेजोनेंस लग रहा है ना यहाँ पे कुछ लग रहा है, हम कैसे इसको जज करेंगे? तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो सी एस थ्री ग्रुप है, स्नेहा बिल्कुल सही आंसर आपका, ये सी एस थ्री ग्रुप काम करेगा, यानी सबसे पहले सेकेंड आंसर इज राइट, क्योंकि थ्री प्लस थ्री सिक्स और प्लस थ्री नाइन, इसमें नाइन है, यानी तो सरोज सही है। अब बताओ सेकंड में कौन आएगा इनमें से, सेकंड में कौन आएगा? हाँ सही है, निरंजन, मृत्युंजय, सिद्धि, स्नेहा, सानिका, कशिश, परिगा, सरदेश, वेरी गुड। इसके बाद थ्री, इसके बाद थ्री के बाद कौन होगा? थ्री के बाद हाँ स्नेहा, निरंजन। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं ओवरऑल, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आता है, और सबसे लास्ट कौन होगा फिर? ये वाला फोर। ठीक है, तो ये आपका हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन का। तो आपको इससे स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आता है, सारा कॉन्सेप्ट ही क्या स्टेबिलिटी पे है। तो स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा हम प्रेफरेंस किसको देते हैं? जनरली रेजोनेंस को। स्टेबिलिटी ऑर्डर का ध्यान रखना, रेजोनेंस को हम सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर सबसे लास्ट में हम देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट सबसे लास्ट में आएगा, यानी आप इंडक्टिव इफेक्ट को तो ये मानकर चलो छोटा बच्चा है, सबसे पहले आप रेजोनेंस चेक करोगे, रेजोनेंस है तो जिसमें रेजोनेंस है उसको आप प्रेफरेंस दो। इसीलिए मैंने कहा था कि रेजोनेंस वाले में हमने क्या कहा था, ये रेजोनेंस दिख रहा है हमें तो इससे हमें प्रेफरेंस देना चाहिए था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो टर्सरी होता है, टर्सरी कार्बोकैटायन, वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये थोड़े से कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो आपको बता दिए जाएंगे, अदरवाइज क्या है रेजोनेंस जहां पे भी दिखेगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे लास्ट में हमने देखना है इंडक्टिव इफेक्ट। जब ये दोनों नहीं लगेंगे तब हमने इसे अप्लाई करना। तो समझ में आ गया आपको? इज इट क्लियर? अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म होता है, अब आता है किसमें? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। हाँ वेरी गुड। अब देखो ये एक रिएक्शन वाला पार्ट आ गया, इसको थोड़ा सा ध्यान लगाना आपको, थोड़ा सा एक चीज देखना आप लोगों को, एक क्वेश्चन पूछता हूं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इसमें क्या होता है कि ये टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी का मतलब होता है जब, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो तो जो पेरेंट्स आसपास दिख रहे हैं तभी आप लोग पढ़ाई करोगे, नहीं तो पढ़ोगे नहीं, यानी टेम्परेरी। तो ये भी टेम्परेरी होता है और केवल रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मुझे दिमाग लगा के बताना आपको, मैं एक दो सिचुएशन देता हूं और यही आपके रिएक्शन में काम आएंगे। जब भी आप रिएक्शन करोगे तो आपके माइंड में चीज क्या होंगी, ज्यादा स्ट्राइक होंगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, बहुत आसान है, आपको पूरे मार्क्स दिलवाती है, कम एफर्ट है और क्वेश्चन आंसर आसान से हो जाते हैं, प्लस टाइम टेकिंग नहीं होता, आप देखोगे आंसर बता दो। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, यानी जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे शिफ्ट होगा, यानी इनके पास डबल बॉन्ड होगा, यानी ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड के लिए लगेंगे।
अनसेचुरेटेड कंपाउंड के लिए। तो ये दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के, हाँ, प्लस ई और माइनस ई। ठीक है, अब मैं जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं पहले आपसे, आपको ये पता नहीं है कि प्लस ई होना चाहिए या माइनस ई होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया ये वाला, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड दिखा दिया और बाकी सिंपल रख दिया। अब मैंने यहां से एच बी आर को अटैक करवाया, क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन ये है कि इसमें पहले एच प्लस अटैक करेगा, देखो फर्स्ट अटैक कौन करेगा, फर्स्ट अटैक। अब आपके पास तीन ऑप्शन दे दिए, पहले एच प्लस कर सकता है या फिर बी आर कर सकता है या कोई भी कर सकता है, एनी वन, इसमें से कोई भी हो सकता है। तो वन टू और थ्री में से आप किसके पास जाना चाहोगे? अब देखो सिचुएशन देख लो, पहले ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो निरंजन गुड, और इसके अलावा स्नेहा गुड, और इसके अलावा श्रुति सही है, और किरण मिस कर गया, और कशिश सही है। देखो अब मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं, और कोई ट्राई करना चाह रहा है इसमें? इसका आंसर है देखो H प्लस, हर हमेशा H प्लस ही अटैक करेगा। आप कहोगे क्यों, वाई? ठीक है, H प्लस ही क्यों अटैक करेगा, बी आर माइनस क्यों अटैक नहीं कर सकता है? कोई बता सकता है कि बी आर माइनस पहले अटैक नहीं कर सकता है, पहले H प्लस ही अटैक करेगा, वाई? देखो इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये है कि जब भी आपने क्या किया, देखो वन टू थ्री कुछ भी कर दो, जहां पे सी सी में डबल बॉन्ड होगा, ध्यान रखो सी सी में डबल बॉन्ड होगा, तो क्या होगा कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, और बी आर अगर आएगा तो बी आर में भी क्या है, माइनस चार्ज है, और ये भी पाई इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं, इन दोनों में क्या हो जाएगी, यहां से लड़ाई हो जाएगी, रिपल्सन होगा, ये इसको आने ही नहीं देगा। एच बी आर तो टूट गया आपका एच प्लस और बी आर माइनस में, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर घूम रहे हैं, और माइनस चार्ज की वजह से क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन होने की वजह से बी आर अटैक नहीं कर पाता पहले, इसीलिए वो कहता है एच प्लस को, पहले तू चले जा, चल मैं बाद में आता हूँ। जो बड़े लोग होते हैं क्या होते हैं, थोड़े बाद में आते हैं, छोटे छोटे लोगों को पहले भेज देते हैं कि जाओ तुम लड़ने, पहले मैं बाद में आऊंगा। ठीक है, अब क्या होता है देखो, H प्लस आयन जाएगा, अब इसके पास दो ऑप्शन है, वन एंड टू। अब ये स्टेबिलिटी फैक्टर आ जाता है फिर, कि अब इस दोनों में से, तो इसके प्रेजेंस में, इसके इन्फ्लुएंस से देखो ये प्लस चार्ज आएगा, तो इसके प्लस आने की वजह से क्या होता है, ये शिफ्ट हो जाता है, जो माइनस चार्ज है वो शिफ्ट होगा दो जगह पे, देखो सी सी सी। अब देखो पहला ऑप्शन क्या है कि फर्स्ट वाले ने रखा प्लस चार्ज और सेकेंड वाले ने रखा माइनस चार्ज, पहला कॉन्फ़िगरेशन ये हो सकता है, तभी मैंने कहा था पॉसिबिलिटी क्या है उसको चेक करना है। सेकंड केस में क्या हो सकता है कि पहले वाले ने रखा माइनस चार्ज और दूसरे वाले ने रखा प्लस चार्ज, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, प्लस वन वाला या टू वाला, ज्यादा स्टेबल आपको कौन नजर आ रहा है, वन या टू? हाँ निरंजन बिल्कुल सही कहा है, और सरदेश कशिश वेरी गुड, टू वाला स्टेबल होगा, इसीलिए हम कहते हैं बार बार स्टेबिलिटी चेक करो, ये वाला नहीं बनेगा इसको हटा दो पहले ही, बनेगा तो बहुत कम बनेगा। बिल्कुल सही है आप लोगों ने, मैथिली कशिश निरंजन सरदेश वेरी गुड, तो अब ये वाला बनेगा। अब इसमें देखो प्लस वाला कहाँ जाएगा, जहां माइनस है तो माइनस के पास प्लस चला गया, जहां प्लस है वहां कौन चला गया, माइनस चला गया। आप कंपाउंड आराम से बना दोगे कि इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि जो रिएजेंट है, रिएजेंट जहां अटैच हो रहा है, देखो रिएजेंट जिसमें अटैच हो रहा है उसी के पास क्या हो रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है। रिएजेंट जहां पे अटैच हो रहा है, देखो जो हाइड्रोजन है ये भी वन पे अटैच हुआ, और जो ये पाई इलेक्ट्रॉन गया ये भी वन पे गया, तो इसे कहते हैं प्लस ई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट, यानी रिएजेंट भी उसी कार्बन के पास जाएगा और जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो भी उधर ही जाएगा। देखो पाई इलेक्ट्रॉन और रिएजेंट ये दोनों के दोनों सेम कार्बन पे चले गए, सेम कार्बन पे, एक ही कार्बन पे दोनों चले गए, तो उसे कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। क्लियर हो गया कि जो पाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है शिफ्ट हो रहा है, और जो रिएजेंट शिफ्ट हो रहा है वो दोनों एक ही कार्बन पे होंगे, दैट इज कॉल्ड प्लस ई इफेक्ट। ठीक है,
और ये टेम्परेरी होता है, जैसे आप इसे हटाओगे फिर ये यही हो जाएगा। अब सेकेंड स्टेप देखो, अब एक और दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको, उसमें आप लोग गैस करना आप, ठीक है। अब मैंने आपको फिर ऑप्शन दिया, मैंने फिर आपको डबल बॉन्ड दे दिया, डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहां पे फिर मैंने कोई रिएजेंट को अटैक कराया, SCN कोई भी ले लो, प्लस और माइनस वाला, आपको पता है इसके पास प्लस होगा, CN के पास माइनस होगा, ये ऑब्वियस बात, दिस इज रिएजेंट और ये होता सब्सट्रेट। आप बताओ कि इन दो में से, देखो फिर ऑप्शन आ गया आपके पास कि यहां पे H प्लस है, CN माइनस है, और तीसरा है एनी वन ऑफ इन में कौन अटैक करेगा, एनी वन या हाइड्रोजन या CN, यानी वन टू और थ्री में से किस ऑप्शन पे जाओगे, जबकि यहां पे जो ग्रुप लगा है वो लगा है CO। निहारिका वेरी गुड, और इसके अलावा निरंजन सही है, सुबोध मिस कर गए, अनुष्का मिस कर गई, थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो बाकियों ने मिस कर दिया, देखो सरोज, स्नेहा, श्रुति, किरण मिसिंग हो गए पार्ट, और स्नेहा आप सही है। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं, देखो दोनों एक चीज लग रही है आपको, सुबोध सही आंसर है, दोनों एक ही चीज लग रही है, देखो दोनों में डबल बॉन्ड है, डिफरेंस क्या आ गया, देखो डिफरेंस क्या आ गया, डिफरेंस इसमें आ गया पोलैरिटी का, पोलैरिटी उसमें देखो दोनों कार्बन कार्बन थे, कोई चार्ज डेवलप नहीं था, इसमें क्या हुआ कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन आने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पे आएगा प्लस चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से ऑक्सीजन तो लगभग फुलफिल है, ऑक्सीजन को उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या है पूरे इनफ है, लेकिन इसमें से कंगाल कौन हो गया, हु इज बिगर, ठीक है, इसमें कंगाल कौन है, कंगाल है यहाँ पे कार्बन, कार्बन तड़प रहा है कि कोई माइनस चार्ज मिलेगा तो क्या करूंगा मैं, उसे तुरंत होल्ड करूंगा, यहाँ पे कार्बन प्लस चार्ज है और कार्बन क्या हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो जो भी माइनस चार्ज वाला होगा वो इसमें बहुत जल्दी अटैक करता है, और माइनस चार्ज वाला अटैक करने की वजह से क्या होगा, देखो CN कार्बन के पास चला गया, और देखो अब क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन गया ऑक्सीजन के पास, और जो रिएजेंट अटैच हो रहा है वो हो रहा है कार्बन के पास, यानी कि माइनस ई इफेक्ट में क्या होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किसी अदर एटम के पास जाएगा, और जो रिएजेंट अटैच होगा वो किसी दूसरे एटम के साथ अटैच होगा, तो ये दोनों अलग अलग हो गए, एडजेसेंट एटम के साथ अटैच होगा, देखो पाई इलेक्ट्रॉन चला गया ऑक्सीजन के साथ और रिएजेंट किसके साथ आ गया कार्बन के साथ, तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं माइनस ई इफेक्ट, क्लियर हो गया, प्लस इफेक्ट और प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट, और यहीं से रिएक्शन आती है, देखो इसे हम कहते हैं माइनस वाले के लिए क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल एड हो रहा है, तो इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और जो पहले वाला रिएक्शन था, पहले वाले में क्या आ रहा था, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा पहले, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो हम जस्ट इसके बाद पढ़ने वाले हैं रिएक्शन, और फिर हम तुरंत कैच करेंगे, चैप्टर में चले जाएंगे, फिर तो चैप्टर आराम से निकलते हैं सारे, ठीक है। तो समझ में आ गया, अब आपको समझ में आ जाएगा, देखो इसमें रिएक्शन करेंगे तो ये बन सकता है, इसमें रिएक्शन करेंगे तो ये बन सकता है, कुछ कुछ पॉइंट आपको बताने बाकी रहते हैं बस, तो उससे क्या होगा आपको तुरंत गैस करने में हेल्प मिलेगी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए बेस तैयार कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, कुछ रूल्स हैं, कुछ वो है, और हमारा काम क्या होगा आसान हो जाएगा। अब देखो रेजोनेंस का, रेजोनेंस से हम स्टेबिलिटी को कैसे मेजर करेंगे, तो रेजोनेंस क्या होता है, पहले रेजोनेंस जो वर्ड था, रेजोनेंस है जो आपका, इसमें क्या होता है, जो एक कंपाउंड होता है, एक कंपाउंड मोर देन वन स्ट्रक्चर शो करता है, मोर देन वन स्ट्रक्चर, और वो किसकी वजह से करता है, डी लोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जनरली, या डी इलेक्ट्रॉन या प्लस चार्ज, इनकी वजह से क्या होता है,
वन मोर देन वन स्ट्रक्चर शो करता है एंड नन ऑफ दीज गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन, आपको उनमें से कोई भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देगा, यानी सब आधी आधी इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। तो इस टाइप के जो फिनोमिना होते हैं, दिस टाइप ऑफ फिनोमिना इज कॉल्ड रेजोनेंस। तो रेजोनेंस से होगा क्या, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। सेकेंड वन इज जितने भी बॉन्ड लेंथ होंगे, बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएंगे, बॉन्ड लेंथ सबके इक्वल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जैसे बेंजीन रिंग है, देखो बेंजीन रिंग में एक बॉन्ड इधर बन रहा है और सेकेंड बॉन्ड क्या होता है इधर बनता है, तो दोनों में से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये दोनों के दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं दे रहा है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। हमने रेजोनेंस पहले भी किया था, एक आध एग्जाम्पल करते हैं और इसके बाद क्या है, आपको मैं इसका स्टेबिलिटी का फंडा बताता हूं, जो मेन है, सबसे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, स्टेबिलिटी वाला फैक्टर। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे मैंने कहा ये बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर मैंने क्या दिखा दिया OH ग्रुप, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ डोनेट करेगा। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा उसमें प्लस चार्ज आ जाता है और यहाँ पे सिंगल की जगह पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब देखो इस कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये क्या करता है, इसको कहता है चलो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को आप अपने पास रखो, तो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दे दिया, तो इसमें माइनस चार्ज आ गया। मैंने कहा था अभी पाई बॉन्ड मीन्स माइनस चार्ज, एक ही बात, बाकी सारी सिचुएशन क्या होगी, सेम रहेगी। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इससे क्या होता है, एक सामने बैठा नहीं रह जाता, ये घूमने की आदत है इससे, तो ये क्या करेगा, फिर यहां से शिफ्ट होके इसके बीच में चले जाएगा। देखो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ये क्या होगा, यहां से इसके बीच में आ गया, तो ये थर्ड वाला क्या करेगा, फोर वाले को इलेक्ट्रॉन दे देगा, और फोर वाले को इलेक्ट्रॉन देगा तो फोर में नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड पहले से था। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, देखो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी जो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, वो क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, क्योंकि जो माइनस चार्ज जाएगा या तो ऑर्थो पे जाएगा या फिर पैरा पे जाएगा। अब क्या होगा, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा और ये यहां से यहां आ जाएगा, तो ये कैसे आ गया, देखो ये यहां से जो बॉन्ड था यहां शिफ्ट हो गया और ये माइनस चार्ज फिफ्थ वाले के पास चला गया। ये आपने पहले किया हुआ, एक बार कोशिश करके देखना, नहीं आएगा तो मैं दोबारा आराम से समझाऊंगा आपको। ये इलेक्ट्रॉन फिर यहां से इसके बीच में आएगा और ये फिर वापस हो जाएगा, यानी जैसे थे वैसे बन गए। तो दिखने में आपको क्या हुआ, आपको लगा कि कोई चेंज हुआ नहीं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये पूरे मोहल्ले घूम के आ गया, पूरा रत्नागिरी घूम के आ गया, और बाद में आपने देखा अच्छा है तो पढ़ाई कर रहा है घर में बैठ के, पेरेंट देख रहा अच्छा है तो बहुत बढ़िया है तो पढ़ाई कर रहा है, उन्हें पता नहीं कि पूरे मोहल्ले पूरे रत्नागिरी में घूम के आ गया वापस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ना क्या मुश्किल हो जाएगा, रेजोनेंस शो करेगा, जितना ज्यादा घूमेगा क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, तो ये रेजोनेंस, इसीलिए क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई भी यहां से प्लस वाला, मैंने आपको बोला प्लस यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करना चाहिए था, जहां पे लोन पेयर है, जहां पे आपको पेयर दिखाई दे रहा है, या जहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, बॉन्ड, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ऑब्वियस बात है कि आप वहां पे से अटैक कराओ। लेकिन मैंने कहा ये अटैक नहीं हो पा रहा है, या इसकी रिएक्शन बहुत स्लो हो पा रही है। रीजन क्या था कि ये यहां से यहां आएगा, तो पूछा कि ये कहाँ है, उन्होंने कहा थोड़ा घूमने गया हुआ है, फिर यहाँ आया, फिर क्या हुआ, घूमता जा रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, तो क्या हुआ, रिएक्शन बहुत स्लो हो जाएगी, यानी ये दिस वन इज वेरी लीस्ट रिएक्टिव, कम होगा, रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो यानी स्टेबिलिटी ज्यादा है ड्यू टू रेजोनेंस। अब देखो रेजोनेंस को चेक करने के तरीके बता देता हूं मैं आपको, कि रेजोनेंस को चेक कैसे करना है। सबसे पहला काम क्या है, कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड,
अगर कंपैरिजन करने के लिए आता है तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे उतना रेजोनेंस ज्यादा होगा और स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो सबसे पहला काम हमने करना है बॉन्ड देख लो, जिसके बॉन्ड ज्यादा उसका उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा। सेकेंड पॉइंट है, वैसे जनरली दोनों को कई बार सेम चीज में ही कंसिडर कर लेते हैं कि जो न्यूट्रल होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी चार्ज वाले से। सेकेंड पॉइंट, न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होगा और चार्ज वाले के कंपैरिजन में, तो ये आपका सेकेंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में क्या है कि अब अगर कोई चार्ज है तो चार्ज वाले केस में क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज किस पे आना चाहिए, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम होगा, नेगेटिव चार्ज उस पे ज्यादा बढ़िया है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और प्लस चार्ज उस पे ज्यादा अच्छा है जो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा उसमें प्लस चार्ज ज्यादा होगा, मतलब उसमें प्लस चार्ज आए। जैसे मैंने कहा सी डबल बॉन्ड ओ, अब क्या है देखो इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब क्या हुआ अगर मैंने कहा कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा और इसमें माइनस इसमें प्लस आया तो ये स्टेबल है, लेकिन मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, इस पे माइनस दिखा दो और इस पे प्लस दिखा दो, तो आप कहोगे क्या दिस वन इज लेस स्टेबल, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये क्या ही इज द दादा, ही इज द पावरफुल पर्सन एज कंपेयर टू कार्बन, तो ये क्या करेगा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो ये बहुत ज्यादा देर तक प्लस में नहीं रह सकता है, तो इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा इससे, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी कम हो जाएगी, क्योंकि उसके जो पावरफुल उससे कम पावरफुल वाला नेगेटिव चार्ज, तो ये इसको क्या है टॉलरेट नहीं होगा, टॉलरेट नहीं होगा तो ये क्या करेगा तुरंत एक्शन करेगा, ठीक है, तो क्या इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो अगर ये पहले केस इसको देखना, अगर ये आपको दिख गया बॉन्ड तो फिर आगे मत देखो, अगर ये पहला स्टेप बराबर हो गया तब सेकंड में देखो, सेकंड भी बराबर हो गया तब थर्ड में आए, थर्ड के बाद अगर थर्ड भी बराबर हो गया तब हम किसको देखेंगे, तब हम फोर को देखते। फोर में क्या है कि जो अनलाइक चार्ज है, अनलाइक चार्ज का मतलब प्लस और माइनस, ये क्या होने चाहिए आपस में पास होने चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा तो बढ़िया है, और अगर लाइक चार्ज होंगे, लाइक चार्ज तो लाइक चार्ज मतलब प्लस प्लस या फिर माइनस और माइनस, तो ये जितना दूर हो उतना बढ़िया है, जिनको आपस में बनती नहीं है देखो, अगर वो ज्यादा दूर हो तो ज्यादा बेटर होता है कि चलो यार एक दूर है दूसरा दूर है अच्छा है, अगर ये पास पास होंगे तो क्या होगा फिर WW जो कहते हैं ये लड़ाई करने लगेंगे आपस में, रिपल्सन हो जाएगा तो क्या होगा स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। हाँ WWE वेरी गुड परिगा, तो जितने दूर होंगे प्लस प्लस वाले उतना बढ़िया है कि चलो बहुत बढ़िया, माइनस माइनस वाले जितने दूर होंगे उतना अच्छा है, उतना स्टेबल क्या होंगे ज्यादा होंगे, और अगर प्लस माइनस होगा तो क्या होगा जितना पास होंगे उतना बढ़िया है। तो ये चार पॉइंट हैं जो डिसाइड करते हैं जनरली रेजोनेंस की स्टेबिलिटी को, ठीक है, तो ये फोर पॉइंट हैं, इस पे आप किसी भी कंपाउंड को स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हो चेक कर सकते हो, कोई भी कंपाउंड बना दो आप, इसका रेजोनेंस बना दो, उसके रेजोनेंस को तोड़ के देखो, फिर स्ट्रक्चर बनाओ, जैसे मैंने कोई एग्जांपल लेता हूँ, एक मिनट एग्जांपल देखता हूँ इसमें अगर कहीं पे कोई एग्जांपल मिले मुझे, जैसे सपोज करो यही दे दिया इसने आर सी एच डबल बॉन्ड सी एस टी, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड और इसके पास क्या है पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसने यहां डोनेट किया और इसने यहां इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो हुआ क्या देखो एक्स में कौन सा चार्ज आ गया प्लस चार्ज, और ये एच और ये सिंगल बॉन्ड है सॉरी ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये सी एस टू पे आ गया माइनस चार्ज, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा फर्स्ट या सेकंड, विच वन इज मोर स्टेबल फर्स्ट या सेकंड, हाँ फर्स्ट, निरंजन निहारिका मृत्युंजय वेरी गुड, तो इसमें फर्स्ट सीधी सी बात है, क्यों क्योंकि ये न्यूट्रल है और ये क्या है
चार्ज वाला, परिगा सही है, सुबोध। तो हमने क्या करना है फिर आगे, तभी मैंने कहा जैसे हम क्या करेंगे कोर्स खत्म करेंगे तो प्रैक्टिस मेन, प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन रीडिंग। आप रीडिंग करते जाओगे तो कोई भी ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। रीजन क्या है, पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग कम काम करता है, तो आप इसी जो करंट टॉपिक चल रहा है उस पर आपका माइंड ज्यादा चलता है बस, बाकी आगे के और पीछे के टॉपिक क्या होते हैं मिस हो जाते हैं। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं कोर्स फिनिश करते हैं उसके बाद हम रिपीट करेंगे तो क्या होता है आपके पास सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होते हैं या होने चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ओवरऑल कॉन्सेप्ट आ जाता है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट। फिर आपका दिमाग ओवरऑल कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि आपको सब चीज देखनी है। अभी मैंने आपको केवल रेजोनेंस बताया तो आपका दिमाग केवल रेजोनेंस के लिए काम करेगा, लेकिन बाद में जब आप ओवरऑल कंप्लीट कर दोगे तो क्या होगा, आप रेजोनेंस भी चेक करोगे, उसके बाद आप हाइपर कॉन्जुगेशन भी चेक करोगे, उसके बाद आप इंडक्टिव फैक्ट भी चेक करोगे। तो ओवरऑल चीज पे काम करने के बाद क्या होता है एक्यूरेट आंसर निकलता है। तो इसीलिए क्या है कि जितना फास्ट चल के देखो अभी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने, और जितना फास्ट चल के आप लोग कंप्लीट कर पाओगे रिविजन में देखो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज लर्न हो जाए, जिसको आप पढ़ने के लिए आपने 8 महीने लगाए थे उसको लर्न करने के लिए आपने 1 to 2 months में ही खत्म कर दिया। आपको ऐसा दिखेगा, देखो 8 months लगाए आपने पढ़ते 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 8 to 9 months, और आप रिवीजन में आओगे आप रिवीजन में केवल 1 to 2 months में क्या करोगे सारा लर्न कर दोगे उससे। ये बेनिफिट होता है रिवीजन का, और पहले में आप जितना टाइम लगाओगे उतना कोई ज्यादा वो आपको घाटा आएगा नहीं जितना मेहनत करोगे, ठीक है। तो इसीलिए अब क्या है, अब इसका नेक्स्ट पोर्शन मेरे पास आएगा एस, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है, देखो SIP यानी स्टेरिक हिंड्रेंस भी कहाँ पे थोड़ा सा अफेक्ट करता है, तो SIP SIR और रिएक्शन। तो ये अप्रोक्सीमेट कल तक ये फिनिश हो जाने चाहिए, SIP SIR और रिएक्शन। देखो कल का टॉपिक क्या हमारा, कल का टॉपिक है SIP स्टेरिक हिंड्रेंस के बेस पे, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ तो रेजोनेंस, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्या करता है स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो अभी तक हमने स्टेबिलिटी के यही पॉइंट पढ़े, इसमें से 1-2 points और हैं जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर जाते हैं, ठीक है, और कहीं पे आंसर को चेंज करते, तो कहाँ पे लगेंगे कैसा होगा ये आपको कल बताया जाएगा। SIP SIR और रिएक्शन, रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो ये जल्दी से मैं सोचता हूँ कल या मैक्सिमम परसों तक, तो उसके नेक्स्ट डे में मतलब मैक्सिमम 1 or 2 days इसके बाद हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो होपफुली आप इसे पढ़ के आओ, देखो रिएक्शन आपको पढ़ाया था SN1 SN2 E1 E2 आपको रिएक्शन पढ़ाई हुई है, एक बार आप कल उसे पढ़ के आओ फिर हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं मीटिंग यहीं पे ऑफ कर रहा हूँ, और कल होपफुली पढ़ के आओगे आप लोग, और इसके मैं क्वेश्चन दूंगा आपको जो आपको सॉल्व करने हैं। आज आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो इसके बेस पे GOC के बेस पे क्वेश्चन मिलेंगे, यू हैव टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस और मुझे भेजने आंसर। तो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।